प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को बुलंदशहर के नवादा गांव में जनसभा का आगाज़ करेंगे। वेस्ट यूपी का बुलंदशहर को उन्होंने जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें प्रचार के लिए सबसे पहले चुना है, तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री के लिए वेस्ट यूपी की जगह क्या है। साफ तौर पे मैं आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ सभा स्थल पर, जहाँ पर 25 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जनसभा का आगाज़ करेंगे। युद्ध स्तर पर तैयारियाँ आप सामने आप देख रहे हैं कि कुर्सी सिटिंग प्लान तैयार कर लिया गया है, ब्लॉक वाइज ये प्लान है। महिलाएं के लिए अलग प्लान बनाया गया है, पुरुषों के लिए अलग प्लान बनाया गया है। जो जनता है उसको बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंदर आने दिया जाएगा। इसके बाद में जो VIP लोग हैं, पत्रकार हैं या अलग जो VIP तबका है उसको पास के जरिए एंट्री मिलेगी। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि सामने ये मंच बनाने की तैयारी चल रही है, बड़ा मंच है। बड़ा मंच के बाद में डी एक शेप बनाई गई है और इसके बाद में आप देख सकते हैं जहाँ पर ये टेबल है ये पत्रकारों के लिए जगह बिल्कुल फ्रंट पर रखी गई है, यहाँ पत्रकार अपनी कवरेज करेंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये सिटिंग प्लान वाइट चेयर्स का बनाया गया है, यहाँ पर VIP लोग रहेंगे, सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे, जिलाध्यक्ष रहेंगे और तमाम के तमाम जो VIPs हैं वो यहीं पर बैठेंगे। जनसभा स्थल की ये दूसरी तस्वीर है। जनसभा स्थल भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है उससे पटा हुआ आपको दिखेगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो लेबर क्लास के लोग हैं वो झंडों को छड़ी में पहनाने का काम कर रहे हैं। बड़े स्तर पर ये काम चल रहा है, हजारों लाखों की तादाद में इन झंडों को तैयार किया जा रहा है ताकि जनसभा में एक भारतीय जनता पार्टी का जो लोगो है, जो चुनाव चिन्ह है, उससे पूरी तरह जनसभा स्थल को पाटा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये विशाल पंडाल सजाया जा रहा है, विशाल पंडाल है और इस तरीके के कई पंडाल हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। तमाम सिटिंग प्लान की तैयारी यहाँ की गई है और गांव-गांव कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को पूरा लक्ष्य दिया गया है कि किस गांव से कितने कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ जुटने की पूरी उम्मीद है। इसी को लेकर के बड़े बड़े जो बड़े बड़े क्षेत्रफल में जो यहाँ जो पंडाल हैं उनको सजाया जा रहा है और ये अभी पूरी तैयारी हुई नहीं है, चूँकि 25 तारीख को प्राइम मिनिस्टर यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि उससे पहले ही ये मुकम्मल तैयारी यहाँ की जाने की पूरी उम्मीद है। प्राइम मिनिस्टर की जनसभा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का खाका पूरी तरह तैयार कर लिया गया है और ये बम स्क्वाड दस्ता है जो बारीकी से जांच कर रहा है कोई सुरक्षा चूक ना हो जाए। भारी इसी तरह की कई और टीमें हैं जो अलग अलग जनसभा क्षेत्र में अलग अलग भ्रमण कर ये सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता तरीके से, और ये डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर है, पूरी तरह से ये पुख्ता तैयारी है, सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारी है जनसभा से पहले ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए। बताया जा रहा है कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जनसभा होगी। ये बताना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये बेहतर नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पुलिस यहाँ पर मौजूद रहेगी, लेकिन बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद से पुलिस कर्मियों की डिमांड की गई है। भारी संख्या में PSC के जवान भी यहाँ रहेंगे और तमाम और एजेंसीज की सुरक्षा की जो टीमें हैं वो यहाँ मुस्तैद रहेंगी। तो कुल मिला के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो जनसभा है भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ होने जा रही है। शानवा चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।